जी अनिल जी बताएं प्रोटेस्ट करें क्यों करें आज? देखिए जी, बड़ी विडंबना है और बड़े दुख के से कहना पड़ता है कि जिस सरकार ने इन युवाओं को सपने दिखाए थे रोजगार के, जॉब के, मगर आज वो विफल साबित होते नजर आ रहे हैं। चाहे वो NRHM की बात हो, उन पे भी लाठियां बरसाई गई, उनको भी अपने हक के हक और हुकूक नहीं मिले। और आज जो युवा कई देर से भर्तियों के लिए दौड़े लगा रहा था, मुशक्कत कर रहा था, घर से पैसे बचा के बेचारा अपनी कसरत कर रहा था, मगर इस सरकार ने उनके सपनों को भी निचोड़ के रख दिया, नकार कर दिया। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि यही युवा था जिसने इस सरकार को सत्ता में लाया था, और यही युवा है इस सरकार को उल्टे मुंह और इनको यहाँ से भगाएगा। मैं इन युवाओं के हक के लिए इनके साथ साथ कांग्रेस की पार्टी की तरफ से हम इनके साथ हैं और शाना बशाना इनके साथ चलते रहेंगे जब तक इनके हक और हकूक नहीं मिलेंगे, क्योंकि युवा देश की रीढ़ की हड्डी है और इस रीढ़ की हड्डी को हम टूटने नहीं देंगे। जय हिंद, जय भारत माता की जय। भारत माता की साल जी बताएं, ये आज नेशनल हाईवे ब्लॉक कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? सर हमारे ना 2019 सर हमारे आर्मी के फॉर्म लगे थे सर, तो डेढ़ साल के बाद सर हमारी रेडी हुई सर, डेढ़ साल के बाद रेडी सर, उसके बाद सर हमारा 2 साल हो गया सर हमारे रिटर्न हुए सर। पहले सर एग्जाम की डेट आती थी सर, अभी वो भी नहीं आ रही सर डेट, अभी एग्जाम कैसे कर दिया। उसके बाद सर न्यू रूल का TOD सर, कौन सी गवर्नमेंट है सर ये, कौन सी सरकार, कौन सी गवर्नमेंट, कौन सा रूल है सर ये, हम पागल है सर, इतनी दूर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं सर, हम सर गरीब लोगों के बच्चे सर, गरीब इंसान के बच्चे सर, हम कोई नेता के बच्चे नहीं है, जो हमारे एसी के अंदर सर कुछ बोर्ड लेके एसी के अंदर बैठ जाते हैं और हम पागल है प्रोटेस्ट कर रहे थे रोड पे, आम जनता सर मरती रहे रोड पे, कोई प्रोटेस्ट करे कोई सर पास लगाए अपने आप को। पठान साहब बताएंगे लोग प्रोटेस्ट कर रहे, बच्चे क्यों कर रहे हैं? सर देखिए, बात इस तरह से है कि बरवाल एथलीट्स क्लब में भी, बरवाल एथलीट्स क्लब में भी 300-400 बच्चा दौड़ता है, कठुआ डिस्टेंस रनर्स में भी 300-400 बच्चा दौड़ता है, चढ़वाल एथलीट क्लब में भी 200-300 बच्चा दौड़ता है, एथलेटिक्स क्लब कठुआ में भी 200-300 बच्चा दौड़ता है। 1500-2000 बच्चे को दौड़ा के 4 क्लब बना के लाखों रुपया खर्च करके अपनी जेब से उन बच्चों को प्रोत्साहित करके यहाँ तक पहुँचा रहे हैं कि छाती पे गोली खाने के लिए तैयार हो जाओ, आर्मी में भर्ती होना है। उन माँ से पूछो जिनके बच्चे 12-22 साल के शहीद हो जाते हैं, जिन बच्चों का 12-12 महीने 16-16 महीने वो मुंह नहीं देखती, कितनी बहनों के जो आंचल हैं, जो उनका सुहाग है वो उजड़ा है, किसके लिए, देश के लिए। ये हमारा नौजवान छाती पे गोली खाना चाहता है, इसके लिए आज ये धूप में यहाँ पे दबकर संघर्ष कर रहा है। शर्म आनी चाहिए उन नेताओं को जो अपनी 5-5 पेंशनें चलाते हैं, 5-5 टैनूर की पेंशनें 5-5 बार लेते हैं, लेकिन पूरे लाइफ टाइम तक चलता है उनकी जो राजनीति है वो 5 साल तक चलेगी, लेकिन जो देश पे, देश की रक्षा करने के लिए सरहदों पे जाना चाहता है, सरहदों पे जाकर अपना वक्तव्य दिखाकर देश को मजबूत करना चाहता है, उसको उसके लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। कितनी विडंबना है ये, बंद कमरों में बैठ के जो पॉलिसियां बनाई जाती हैं, उन लोगों को ये नसीहत है, उन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि कम से कम ग्राउंड पर उतर कर इन बच्चों से पूछ कर कि जन्म संग्रह से लेकर कि किस तरह की बात है वो बनाकर, पॉलिसी बनाकर इनके सामने रखी जाए, ताकि इस देश का जो भविष्य है वो बच सके, इस देश की जो सुरक्षा है उसके साथ कोई समझौता ना हो सके। जय हिंद, जय भारत। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम चाह शर्मा है सर जी। सर हमें सर हमारा इंडिया को सर बाकी कंट्रियों से कंपेयर किया जा रहा है इस टाइम पे, कि रूस में भी ये रूल चल रहा है, चाइना में भी ये रूल चल रहा है। सर उनकी इकॉनमी देखो सर, उनकी इस टाइम सर अमेरिका की इकॉनमी चल रही है $35.3 trillion की, और सर चाइना की चल रही है 16 में, और सर हमारी इंडिया की चल रही है $1.3 trillion इकॉनमी, और सर हमें उनके साथ कंपेयर किया जा रहा है कि वहाँ पे भी टूर ऑफ ड्यूटी चलती है, यहाँ पे भी टूर ऑफ ड्यूटी चलेगी। सर यहाँ पे कैसे चल सकती है सर टूर ऑफ ड्यूटी, यहाँ की पॉपुलेशन देखो ना, उस हिसाब से नहीं चल सकती सर यहाँ पे टूर ऑफ ड्यूटी। हम क्या करेंगे सर, 6 महीने हम ट्रेनिंग करेंगे, 3.5 साल नौकरी करेंगे, 30-40 हजार रुपए तनख्वाह होगी, उसके बाद सर घर का खर्चा कैसे चलाएंगे? ये तो गवर्नमेंट सर गनमैन ट्रेन करके बेच रही है ना, फिर क्यों बोलती है कि आतंकवाद बढ़ा है जम्मू कश्मीर में? अब सर जम्मू कश्मीर आतंकवाद बढ़ा है, पूरे हमारे पूरे इंडिया में आतंकवाद फैलेगा, अब सर गनमैन ट्रेन करके बेच रही है गवर्नमेंट, 4 साल में सर गनमैन ट्रेन करके भेजेगी, जब हमारे घर में हमारे हाथ में गन आएगी तो हम तो मिलिटेंटी बनेंगे ना सर, और क्या बनेंगे, हमारे पास कोई रास्ता नहीं होगा सर, और ना कि लिखित में प्रूव किया हुआ है कि हमें अर्धसैनिक बल में पहले मौका मिलेगा।
जो पहले अर्थ सैनिक बल के लिए बैठे वो कहाँ में जाएंगे? अब धरना प्रदर्शन आपका कब तक जारी रहेगा जी? सर धरना प्रदर्शन जब तक सर हमारा इंसाफ नहीं रहता, जब तक हमारी टूर ऑफ ड्यूटी वापस नहीं देते, जब तक हमारा रिटर्न एग्जाम कंडक्ट नहीं कराते। 2 साल हो गए सर हम फिट होकर बैठे हुए हैं, 4 साल की ट्रेनिंग करेंगे, 4 साल की सर हम खुद मेहनत कर रहे हैं इसमें जाने के लिए, और 4 साल के लिए जाएंगे सर हम इसमें। सर 5 साल हम सर हमें रनिंग करते होंगे सर, 4 बजे उठ के रनिंग करते हैं सर, रनिंग आर्मी रनिंग करें शरीर देखो सर कैसा होता है। जो ये बच्चे हैं सभी को बेरोजगार कर दिए उन्होंने, जिन्होंने भर्ती देखी है 3 साल, एक तो एज होगी उनकी, कहाँ जाएंगे? अभी जॉब नहीं मिल रही, बाद में कहाँ से जॉब मिलेगी हमें? कहाँ तो